गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी. एज यू नो दी फॉर द विंटर वेकेशंस हैज बीन अराइव्ड, सो योर सिलेबस फ्रॉम इंक्लूडेड फ्रॉम नवंबर 2020. एज यू हैव सीन, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पहले से कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी जो है स्कूल में हमने आपको करवा दी हैं. तो ये नवंबर के टॉपिक को मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ. आपके नवंबर का सिलेबस है. इस नवंबर के सिलेबस के अंदर सबसे पहले बच्चे आप देखें, द कंटेंट्स जो हैव ऑलरेडी बीन रिटन, एट फैमिली फीलिंग्स, द क्रिसमस कैट, पेज 196, वर्ल्ड मीनिंग सेंटेंसेज. अब इसके अंदर से आपने क्वेश्चन आंसर वर्ल्ड मीनिंग सेंटेंसेज ही करने हैं. मैं आपके पास एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपको परेशानी ना हो. ये लेट्स सपोज आपके पास ये ऊपर वर्ड्स और मीनिंग लिखे हुए हैं, मीनिंग्स उसके सामने लिखे हैं, एंड सेम लाइक दी सेंटेंस भी हम इसको बोलते हैं और सेम मीनिंग्स भी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो आपने सेम इसी तरीके से स्कैल्प और स्किन एंड हेयर ऑफ हेड, ठीक है, ये आगे मीनिंग लिखा हुआ है. फिर लिखा हुआ है पेटेंस इनसफिशेंट पेमेंट एसनवाज पेड. आप सेंटेंसेज चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, आप ये सेम लिखना चाहें सेम भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहो मेरा बेटा, तो क्वेश्चन है नहीं, पेज नंबर 199 के ऊपर मेंशन है. पेज नंबर 199 के ऊपर आपके पास क्वेश्चन होंगे, व्हाई डिड फेलिसिटी थिंक दैट अ रिक्वेस्ट फॉर अ किटन वाज रीजनेबल. अब फेलिसिटी क्यों सोचती थी कि किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे के लिए जो एक ख्वाहिश थी, उसकी जो एक दरख्वास्त थी उसके खरीदने की, वो रीजनेबल है या उसके अंदर कोई ऐसी यानी कि रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि कोई पाबंदियाँ हैं. हर रिक्वेस्ट फॉर किटन वाज रीजनेबल बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग, क्योंकि उसकी कॉस्ट नथिंग थी, उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा उनका एक्सपेंस नहीं हो रहा था. सो नेक्स्ट चलते हैं जी, वाई वॉज फेलिसिटी सो अपसेट वेन शी थॉट दैट दी मदर हैड फॉरगॉटन हर प्रॉमिस. अब वो वालदा जो थी उनकी, वो भूल गई थी प्रॉमिस को, तो वो बच्चे जो हैं परेशान होना शुरू हो जाते हैं. तो सेम थिंग थी कि वॉज अपसेट बिकॉज हर मदर ऑलवेज केप्ट हर वर्ल्ड, क्योंकि उसकी वालदा हमेशा से ही जो है वो अपने अल्फाज को कायम रखती थी, लेकिन इस दफा वो जो है कैप्टर वर्ल्ड का मतलब है अपना वादा याद रखना, आपने कही हुई बात को याद रखना. तो यहाँ पर वो इसी वजह से परेशान थी. आगे लिखा हुआ जी थर्ड के ऊपर, हाउ डिड फेलिसिटी फील टुवर्ड्स हर मदर व्हेन शी वाज वोकन नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड हाउ डू यू थिंक दैट शी फेल्ट आफ्टर हर इंट्रोडक्शन टू हर किटन. ठीक है, यानी कि जब उसने इंट्रोडक्शन कराया अपने किटन से और जब वो सुबह उठी, क्या फीलिंग्स थी. शी वाज ऑल लव फॉर हर मदर, उसको अपने वालदा से वैसे की वैसी मोहब्बत थी एट फर्स्ट पहले की तरह, बट आफ्टर हर इंट्रोडक्शन टू हर किटन, लेकिन जब उसने अपना तारुफ कराया अपने किटन से बिल्ली के बच्चे से, शी मस्ट हैव फेल्ट अ लिटिल बिट इरिटेशन एट हर. तो क्या हुआ जी, उसको थोड़ा सा यानी कि इरिटेशन कहते हैं तंगी, थोड़ी सी तंगी महसूस होना शुरू होगी. हाउ डिड कैट रिलेशनशिप, अब वो कैट्स का एक रिलेशनशिप है फेलिसिटी के साथ क्या था. फेलिसिटी एंड द कैट्स एवर डिवेल्प गुड रिलेशन, यानी कि उनके दरमियान एक अच्छा रिलेशन था. नेवर डिवेल्प, जो कि अच्छा रिलेशन एक हर यानी कि कम्युनिटी के दरमियान पैदा होना चाहिए, उससे का रिलेशन नहीं था उनके दरमियान, यानी कि नेवर डिवेल्प कभी भी पैदा नहीं हुआ. बहुत हेटेड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे. बट द मदर एंड द कैट वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ ईच अदर, लेकिन वालदा और जो बिल्ली था, बिल्ली का आप किटन कह लें या बिल्ली थी, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच थे. दैट इज़ वाई मदर केप्ट द कैट. एक्सप्लेन द डिफरेंट मेमरीज विच फेलिसिटी एंड हर सिस्टर हैड ऑफ फेलिसिटी रिएक्शन टू सिबिल्स डेथ, लिखा हुआ है. ठीक है, एज अ फर्स्ट रिएक्शन शी फेल्ट हैप्पी, देन शी फेल्ट डिस्टर्ब टू फाइंड हिज हार्ड एंड कोल्ड बॉडी. ठीक है, अब पहला जो रिएक्शन था उसका यही था कि यानी कि हम पहला रिएक्शन हमारा यही होता है किसी जानवर की तरफ हो या कोई पेट्स हो, जितने भी उनका हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी हैप्पीनेस वाला होता है. ठीक है, लेकिन ऐसा ये कॉमन सी एक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है इंसान के अंदर कि ऐसा हमारी उस चीज़ से दिलचस्पी होना यानी कि कम होना शुरू हो जाती है. कुछ लोग इंटरेस्ट होते हैं, वक्ती तौर पर इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट बच्चे आपके पास टॉपिक के अंदर एक है जी कम्प्रीहेंशन. कम्प्रीहेंशन के भी मैं आपको निशान बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी लाइनें मार्कअप करनी है और उसको एमसीक्यूज के तौर पे कैसे तैयार करना है. अब यहाँ पर है जी आपके पास फैमिली फीलिंग की समरी, दिस पॉइम इज अबाउट पॉइट्स अंकल अल्फ्रेड. पॉइट्स के अंकल अल्फ्रेड के बारे में ये पॉइम है. ही वॉज ए कम्प्लेक्स मैन, यानी कि पेचीदा किस्म का आदमी है, एंड सीम टू बी हार्श. सीम का मतलब है ऐसा लगता है, हार्श एंड अनलविंग यानी कि मोहब्बत नहीं करता किसी से. ही वॉज सो कम्प्लेक्स दैट वेन ही वॉज किचन, जब वो किचन में होता था, चिल्ड्रन स्टेड अवे फ्रॉम देयर, बच्चे वहाँ से दूर भाग जाते थे या दूर रहते थे. ही वॉज ए मैन ऑफ हैबिट, आदत से मजबूर शख्स था. ही हैड 9 डॉग्स एंड नेम्स ऑल ऑफ देम स्पॉट, यानी कि उसी पर उनके नाम रख दिए गए. एट कार्निवल टाइम ही डिस्प्लेड अ प्लीजेंट साइड ऑफ द पर्सनैलिटी. ठीक है, भाई एक त्यौहार का नाम है, यानी कि अपनी प्लीजेंट जो साइड है अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी शख्सियत की एक अच्छी खूबी उसने कुछ दिखाने की कोशिश की. फेवरेट फ्लावर बाद आगे लिखा हुआ जी, आगे आपके पास नाम ही लिखा हुआ जी, नाम कुछ बच्चों को लिखवा दिया था. ठीक है, एंटीमनियम एंड ही ग्रू इट इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, और उसको उसने अपने बाग में उगाया हुआ था. ही वॉज फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन बट ही नेवर टुक केयर ऑफ देम, लेकिन उसने कभी किसी का ख्याल नहीं रखा. हिज चिल्ड्रन वर टेरिबली अफ्रेड ऑफ हिम, उसके बच्चे उसे डरे हुए थे. इन लाइफ
जिंदगी में दे वर अनएबल टू शो देयर अफेक्शन बट आफ्टर हिज डेथ दे लेड हिज फेवरेट फ्लावर्स ऑन हिज ग्रेव, यानी कि अपनी जिंदगी में तो वो उससे मोहब्बत कर ना सके लेकिन जब वो मरा तो उसकी कब्र के ऊपर उन्होंने क्या रखे जी, फूल रख दिए। ठीक है, या आपके पास फेवरेट लिखा हुआ जी, फेवरेट उसके पसंदीदा जो फूल थे जो वो बाग में उगाया करते थे वो तो लिख दिए। अब रह गए जी कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन ये आपके पास है जी इसी तरीके से ये पेज नंबर 201 के ऊपर, पेज नंबर 201 के ऊपर आपके पास कंप्रीहेंशन है। आपने आई फॉल इनटू डिसग्रेस, इसका मतलब है जी कि मैं शर्मसार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर मर्डस्टोन गेव दी कैन, आपने सबसे पहले फिक्शन पढ़नी है, फिक्शन में से कुछ ये आपके पास डेविड्स न्यू स्टेप फादर वाज मिस्टर एडवर्ड मिस्टर मर्डस्टोन। ठीक है, एक स्टोरी उन्होंने बताई हुई है कि अब मैं आपको स्टोरी वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहानी है क्या। कुछ लोगों को पढ़ने के लिए हम कहते हैं फोर्स करते हैं, पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो पढ़ाई से दूर भागते हैं लेकिन उनको हम करीब लाने के लिए कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि बाकी बच्चे पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिनेरियो है। अब आप किसी एक शख्स को, अगर एक बच्चा लेट्स सपोज सेवन्थ क्लास का, उसको मैं कहूँगी टेंथ क्लास की बुक में कुछ ना कुछ याद कर ले तो वो पॉसिबल कम नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर एक साइड पर एक लाइन लिखी है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। पे नंबर है जी 201, The 5000 चीजेस आर पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक का ताल्लुक मैथ से है, मैथमेटिक के साथ है। ठीक है, विच डेविड हैड बीन ट्राइंग टू लर्न। ठीक है, 5000 चीजेस जब यूज, अब 5000 तकरीबन वो फार्मूले कुछ तीन सफात थे, कुछ छोटे छोटे उन्होंने टैग्स बनाए हुए थे उसके ऊपर वो मुश्तमिल था, तो वो कह रहे थे कि ये डेविड को याद करने पड़ रहे थे। ऑन दिस ओकेजन हिज स्टेप फादर हैड चेंज चीज टू केन्स। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने वो जो उसको याद कराने के बजाय केन्स, केन्स किसको कहते हैं, छड़ी, छड़ी का इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसको ज़बरदस्ती याद करवाते थे। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है जो मेरा बेटा पेज नंबर 201 के ऊपर से लेकर 203 तक आपने जो जो लाइनें आपको मार्कअप करवाई होंगी, ऑलरेडी ये मार्कअप करवा चुका हूँ, उसके अंदर से आपने एमसीक्यूज तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर्स भी हैं, करेक्टर्स आपके पास आपको फिक्शन से पता चलता है, हर चैप्टर की फिक्शन जो है वो थोड़ी सी पढ़ा करें। ठीक है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि फिक्शन के अंदर क्या बयान किया गया। फिक्शन इज़ बेसिकली कॉल्ड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ओके, तो यहाँ तक मेरा बेटा ये आपके पास इंग्लिश ए का था, इसको मेरा बेटा गो थ्रू कीजिएगा और अच्छे तरीके से मेरा बेटा इनको याद कीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। शुक्रिया।